हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हो आप सबके लिए एक नए ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। ये एक हिस्टोरिकल चाइनीज टाइम ट्रैवल ड्रामा है जिसमें आपको बहुत सारे फनी सीन्स भी देखने को मिलेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक ऑथर है और अपनी कहानी लिख रही होती है, जिसमें वो चिनियो के बारे में लिखते हैं जो कि एक बहुत अच्छा इंसान और न्यायप्रिय राजा है, जिसकी कई सारी कॉन्क्यूबाइंस भी होती है मगर उनमें उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। जिसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो एक लड़की को मेडिसिन देकर उससे कह रहे होते कि तुम इसे राजा के खाने में मिला दो, क्योंकि राजा आजकल अपने काम में बहुत ही बिजी रहते हैं। अगर तुम ये दवाई उनके खाने में मिला दो तो राजा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे कि आगे जाके तुम्हें इंपीरियल का टाइटल भी मिलेगा। यह सुन वो लड़की भी बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद कॉन्क्यूबाइन रॉन्ग वो पियर सूप लेकर राजा के पास जाती है, ये कहकर कि मुझे क्वीन ने भेजा है आपको यह सूप देने के लिए। लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो रॉन्ग खुद ही उसके सामने बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, जिसके बाद वो सूप में उस दवाई को मिला देती है। और हम देखते हैं कि वो लड़की ऑथर यह सब कुछ अपने कहानी में लिख रही होती है और साथ ही में अपने फैंस के कमेंट भी पढ़ रही होती है और उनका रिप्लाई भी दे रही होती है। वो कहानी में आगे और भी लिखती है कि चिनियो जो है वो उसे सूप में कुछ मिलाते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो उसे कोल्ड पैलेस भेज देता है और फिर नेक्स्ट चैप्टर में उसके फादर उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद चिनियो भी सब कुछ फाइंड आउट कर लेता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। उसकी इस कहानी से खुश होकर एक फैन उसे 10,000 युआन सेंड करती है, जिससे वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उसका हाथ टेबल पे रखे कप पे लगकर सारा पानी कीबोर्ड पर गिर जाता है। तो वो फटाफट से साफ करने लगती है, जिस चक्कर में उसे करंट लग जाता है और वो वही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को हुआचिंग पैलेस में पाती है। उसके पास उसकी मेट भी होती है जो उससे कहती है कि योर हाइनेस अब जग गई, लेकिन उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा होता है कि वो सपना ही देख रही है। तो वो इधर उधर घूमने लग जाती है, तभी वो दरवाजे से बाहर निकलती है जहाँ वो कहानी के मेन लीड राजा चिनियो को देखती है और उसके हैंडसम लुक को देखकर खुश हो जाती है। वो जब उसके पास जाने लगती है तो राजा का इनुच उसे रोकने लगता है, ये कहकर कि मजेस्टी अभी काम में बिजी है, लेकिन वो नहीं मानती और उसके पास चली जाती है और सोचती है कि क्योंकि अब मैं सपना ही देख रही हूँ तो क्यों ना मैं इसे अच्छे से जी लूं। वो उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन चिनियो उसका हाथ रोककर उससे कहता है क्या तुम्हें ठीक से बिहेव करना नहीं आता और वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन वो अपने मन में यही सोच रही होती है कि क्योंकि अब मैं सपना देख रही हूँ और अगर मैं जग गई तो कहीं ये सब कुछ मिस ना कर दूं। वो उससे कहती है कि तुम इतना शर्माओ मत और उसे फिर से टच करने लगती है, लेकिन चिनियो दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वो कहती है कि क्या मैं अब तुम्हें अपने सपने में भी टच नहीं कर सकती, और उसे डिस्ट्रैक्ट कर मौके का फायदा उठा के उसे टच कर लेती है। उसकी यह हरकत देख चिनियो गुस्सा हो जाता है और अपने गार्ड्स को बुलाता है उसे यहाँ से लेकर जाने के लिए। तभी रॉन्ग सोचने लग जाती है कि आखिर उसका यह सपना नाइटमेयर में कैसे बदल गया, और बचने के लिए वो भागकर उस पिलर के पास जाती है ताकि वो अपने सपने से जग सके। वो उन्हें बाय कहकर उस पिलर से टकराने लगती है, जिससे उल्टा उसके ही सर पर चोट लग जाती है। तो वो दोबारा फिर से ट्राई करने लगती है और उसकी यह हरकत देख चिनियो भी सोच में पड़ जाता है कि क्या इसका दिमाग ठिकाने पर तो है ना। लेकिन ये ट्राई करती रहती है जिसकी वजह से वो वही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें क्वीन और उसके भाई को दिखाया जाता है जो राजा चिनियो के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो कितना स्मार्ट और कैपेबल है राजा बनने के लिए, और तो और वो हमारे नॉर्थ के लैंड भी रिगेन कर रहा है, अगर वो ऐसे ही रहा तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो उसका भाई और वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। क्वीन उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इसका इंतजाम कर दिया है, क्योंकि अगर रॉन्ग एक बार कोल्ड पैलेस चली गई तो हम अपने आगे के प्लान पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ यही के पास राजा और उसके सर्वेंट आते हैं, तभी राजा का गार्ड भी वहाँ आता है। उसके सर्वेंट उसे उठाने लगती है, जिस पर राजा उससे कहता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है और अपने साथ गार्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। और जो सूप रॉन्ग उसके लिए लेकर आई थी उस पियर सूप को वो गार्ड को दिखाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा था मेरे सूप में कुछ मिलाते हुए, तो गार्ड भी हाँ कर देता है। राजा उस पियर सूप को चेक करने के लिए कहता है। वो जब सूप को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने इसमें क्या मिलाया था और वो ये बात राजा को बता देता है, जिसके बाद हम यही को देखते हैं जिसे होश आ चुका था। तभी राजा और उसका गार्ड भी आते हैं। उसकी मेट जो उसके लिए चिंता कर रही थी वो यही से कहती है कि आप अपनी सर्वेंट फूलिंग को ऐसे कैसे परेशान कर सकती हैं। ये सुन यही शॉक हो जाते हैं। अगर तुम फूलिंग हो तो इसका मतलब क्या मैं कॉन्क्यूबाइन रॉन्ग हूँ? नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रही ना, क्या मैं वाकई में हुआचिंग पैलेस में हूँ? कहीं मैं अपने ही लिखे नॉवेल के अंदर तो नहीं आ गई?
और वो मेड से अपने पियर सुप के बारे में पूछती है, जिस पर मेड उसे बताते है कि वो अभी भी टेबल पर है जहाँ पर आपने उसे छोड़ा था। तो वो उठकर उस टेबल के पास जाने लगती है ये चेक करने कि कहीं चिनियों ने उस सूप को पी तो नहीं लिया, और उसकी ये सारी हरकतें राजा भी देख रहा था। वो जब उस सूप को लेकर जाने लगती है तो मेड उससे कहती है कि लेकिन ये सूप तो आप राजा को देने वाली थी ना, तो वो मना कर देती है और अपने आप से ही मन में कह रही होती है कि अगर मैं ये सूप उसे दूंगी तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगी। वो जब जाने लगती है तो राजा उसे रोककर अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना करते हुए बहाने बनाने लगती है, जिस पर राजा उससे कहते हैं कि तुम ये सूप तो मेरे लिए लाई थी ना, तो यही उससे कहते हैं कि अब यह ठंडा हो चुका है, मैं आपके लिए इसे दोबारा गर्म करके लाती हूँ। लेकिन राजा उससे कहते हैं कि मुझे इसे ठंडा ही पीना है, जिस पर यही उससे कहते हैं कि अगर आप इसे ठंडा पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन राजा भी चलाक उससे कहते हैं कि आज काफी गर्मी है और मैं कुछ ठंडा पीना चाहता हूँ, वैसे भी बस ये एक बाउल सूप की ही तो बात है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन यही अपने मन में सोचने लगती है कि पहले तो मना कर रहा था और अब सूप पीने के लिए जिद कर रहा है, जरूर ये मुझे कोल्ड पैलेस भेजने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहा होगा। तभी राजा उससे कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जाओगे, तो ना चाहते हुए भी उसे मजबूरन मानना ही पड़ता है। वो जब उसे सूप सर्व करने ही वाली होती है तो वो पैर स्लिप का बहाना कर उस सूप को तालाब में गिरा देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और राजा से कहती है अब मैं क्या करूं, मुझसे गलती से बाउल छूट गया, मैं बहुत क्लमसी हूं ना, ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन राजा उसे रोककर कहता है कि भला इतनी सुंदर लड़की को कोई कैसे हेट कर सकता है, और आज रात उसे अपने साथ ही रुकने के लिए कहता है। लेकिन यही अपने मन में सोचने लगती है कि ये बहुत ही क्लेवर है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे उस दवाई को लेना चाहते हो ताकि मुझे रेड हैंडेड पकड़ सको। यही उसे मना करने के लिए अपने पीरियड्स का बहाना बनाने लगती है कि मेरी आंट आने वाली है। लेकिन होशियार इनुच उससे कहते हैं कि मुझे हरम के सारे कॉन्क्यूबाइंस का पीरियड साइकिल अच्छे से याद है और आपके लिए तो अभी वक्त है, जिसे सुन राजा उससे कहते हैं कि तुम आजकल कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही, और तो और अब तुम बहाने भी बनाने लग गई, आखिर क्या सीक्रेट छुपा रही हो तुम अब। क्योंकि वो ठहरी कहानी के राइटर जो सब कुछ पहले से ही जानते थे कि आखिर वो उससे ऐसा क्यों कह रहा है, ताकि वो उसे बैनिश कर उसे कोल्ड पैलेस भेज सके, जिससे उसके परिवार वालों को भी परेशानी हो सकती है। अब क्योंकि वो कहानी में फंसी चुकी है तो अपने साथ गलत कैसे होने दे सकती थी, उसे अपने आप को तो बचाना ही होगा ना, तो वो बस एक्सक्यूज कर वहाँ से जाने ही लगती है। लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जैसे ही गिरने वाली होती है तो राजा उसे कैच कर लेता है। वो उसके क्लोथ जाकर उससे वो मेडिसिन की बोतल लेने वाला होता है, तो यही उसे पकड़कर किस कर लेती है, जिसे उसके सर्वेंट और गार्ड्स भी देख रहे होते हैं। वो जब राजा को किस कर रही होती है तो इसी बीच वो उस दवाई को पासे के तालाब में फेंक देते हैं। उन्हें ऐसे किस करते हुए देख इनुज भी खुशी से तालियां बजाने लगता है और कहता है कि आज राजा कॉन्क्यूबाइन रोंग के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो राजा यही को अपने से दूर कर देता है, जिस पर यही उनसे पूछती आप तो मेरे साथ रुकना चाहते थे ना। लेकिन वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर इनुज उनसे पूछता है कि आप आज कॉन्क्यूबाइन रोंग के साथ रुकने वाले हो ना, तो वो इनुज से ही पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, जिसे सुन इनुज खुशी से अनाउंस करने लगता है कि आज रात राजा। लेकिन तभी चिन्हियो कुछ ऐसा कर देता है, तो बेचारा इनुज दोबारा फिर से अनाउंस करने लगता है कि आज राजा की तबीयत खराब होने की वजह से कॉन्क्यूबाइन रोंग को वापस भेज दिया जाए। यही के जाने के बाद तीनों भी बैठकर बातें करने लगते हैं। गार्ड राजा से पूछता है कि आपने कॉन्क्यूबाइन रोंग को ऐसे कैसे जाने दिया, जबकि उन्होंने आपके खाने में कुछ मिलाया था, जिस पर राजा उससे कहता है कि हम कर भी क्या सकते हैं, उसने सारे सबूत जो मिटा दिए। तो गार्ड कहता है लेकिन उन्होंने आपके खाने में कुछ मिलाया था, हम उनकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चिन्यू कहता है कि वो क्वीन डॉगर की रिश्तेदार लगती है, इसीलिए मैं डायरेक्ट उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, और तो और आज उसने मुझे, अगर मुझे एक भी मौका मिला ना तो मैं उसे कोल्ड पैलेस बैनिश कर दूंगा। और यह क्वीन को भी उसकी मेट से खबर मिल जाती है कि जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कॉन्क्यूबाइन रोंग आराम से वहां से निकल गई और राजा भी एकदम शांत थे। तो क्वीन उसे रोंग को बुलाने के लिए कहती है मैं खुद उससे इस बारे में बात करूंगी, जिसके बाद क्वीन की मेट यही को लेकर आती है, जिसे राजा का गार्ड भी छुपके से देख रहा होता है। जैसे ही यही क्वीन के पास पहुंचती है तो क्वीन को देखकर वो अपने आप से ही मन में कह रही होती है कि ये ले टेम्परर की फेवरेट क्वीन है जो बहुत ही ज्यादा एविल है और इस कहानी का सबसे खतरनाक कैरेक्टर, मुझे इससे बचकर रहना होगा। क्वीन उससे पियर सूप के बारे में पूछती है, जिस पर यही उन्हें बताते हैं कि पुल ज्यादा स्लिपरी होने की वजह से सूप मेरे हाथ से नीचे गिर गया, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अभी आपके साथ नहीं बल्कि राजा के साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर रही होती। तो क्वीन को भी उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और वो उससे कहती है कोई बात नहीं तुम कल दोबारा उनके लिए सूप ले जाना। ये सुन यही उठ खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले से ही मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा भी था अपने साथ रुकने के लिए लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। जिस पर क्वीन उससे पूछते है कि क्या ऐसा सच में हुआ था,
तो ये भी हाँ कर देती है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप इनुचर गार्ड से भी पूछ सकते हैं जो उस वक्त वही थे। तो क्वीन उसकी इस बात को भी मान लेती है और उसे वहाँ से भेज देती है। जब यही अपने कमरे में होती है तो वो इसी सब के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो किस तरह से टाइम ट्रैवल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। और वो सबसे पहले राजा चिन्यू से निपटने का सोचती है, जिसके बाद वो क्वीन को भी देख लेगी। आखिरकार मैं इस कहानी की राइटर जो ठहरी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। वो कॉन्कुबन रॉन्ग को कोल पैलेस भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। वो ये सब सोच ही रही होती है तभी वो अपने हाथ को देखती है जो इनविजिबल होने लगता है, और उसे अचानक से एक आवाज आने लगती है जो उससे कह रही होती है कि तुमने रॉन्ग का ओरिजिनल फिट बदल दिया जो उसके लिए लिखा गया था। कहानी के हिसाब से उसे अब तक कोल्ड पैलेस बैनिश हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दी। वो ये सुन घबरा जाती है और इधर उधर ढूंढते हुए उसे आवाजें देने लगती है कि कौन है, बाहर आ जाओ। वो जब पीछे मुड़के देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। और साथ ही में हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है।